जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित अमित भूषण। मित्रों, मैंने गणपति विसर्जन की विशेष जानकारी आपको एक पहले वीडियो में दे चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि विसर्जन के बाद घर पर जो सामग्री बचती है, आप पूजा करते हैं तो पुष्प है, चावल है, सुपारी है, नारियल है, कलश का जल है, जो वस्त्र आपने पट्टे पे बिछाया था वो है, उसका आप क्या करें? क्योंकि मन में ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि विसर्जन के बाद इस सामग्री का हम क्या करेंगे। तो आप किसी को फोन करते हैं, पंडित जी को फोन करते हैं, पूछते हैं, किसी आस पड़ोस में पूछते हैं कि भी क्या करना है इसका, तो वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, जब आप वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं ज्यादा से ज्यादा आप तक जानकारी पहुंचाता रहूं, ये मेरे मन में उत्साह रहता है। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि गणपति का जब विसर्जन हो जाए तो घर में जो पूजा आपने की है वहां पे जो सामग्री बची है, जिसे हम निर्माल्य बोलते हैं, विसर्जन के लिए कहा जाता है, तो उस सामग्री का क्या करना है? विसर्जन के बाद जब घर में जो सामग्री बचती है, पुष्प आदि, उसका क्या करना है? तो साथियों, अगर पुष्प, दुर्वा आदि जो भगवान के चढ़ा हुआ है, उसको आप एक तरफ निकाल लें। दूसरी बात, जो धान रखा हुआ है, गेहूं षोडश मातृका के लिए, चावल नवग्रह के लिए, कलश के नीचे जो धान है, तो वो जो धान रखा हुआ है, जो अनाज है, उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लें। तीसरी बात, जो सुपारी है उसको आप अलग निकाल लें। जो पट्टे पे वस्त्र बंधा हुआ है, आप उसको पट्टे से खोलें और एक तरफ रख लें। अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहें तो आप जो अनाज है उसको आप पक्षियों को डाल सकते हैं, चिड़िया कबूतर आदि को आप डाल सकते हैं। पुष्प आदि जो बचे हैं उनको आप पानी में, नदी में आप विसर्जन कर दें, या कहीं पे गड्ढा खोदकर उसमें आप डाल दें। सुपारी जो है, सुपारी आदि जो बची है, उसको आप किसी गमले में खड्डा करके उसे दबा दें तो वो उसका विसर्जन हो जाएगा। कलश पे जो नारियल है, कलश का जो जल है, कलश के अंदर जो सुपारी है, जो सिक्का है, तो अगर आपके घर पे ब्राह्मण देवता आते हैं तो आप उनको वो नारियल, सुपारी, सिक्का और जो दक्षिणा चढ़ी हुई है वो आप उनको दे सकते हैं। अगर आपके पूजा करने आचार्य जी नहीं आए हैं तो आप उस सुपारी और सिक्का को आप रख लें। नारियल है उसका आप प्रसाद बनाकर ग्रहण कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। जो वस्त्र विसर्जन के बाद में बचा हुआ है, पट्टे में बंधा हुआ, आप उसको धो लें। धोने के बाद में आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं। पूजा घर में जो पूजा के बर्तन आदि हैं उनको साफ कर सकते हैं, तस्वीर आदि जो भी हैं उनको आप साफ कर सकते हैं, तो ये वस्त्र आपका उस काम में आ जाएगा। नारियल के बाद में जो कलश के अंदर जल बचा है, उस जल को आप या तो किसी जलाशय में विसर्जित कर दें, या फिर अपने घर में कोई पेड़ पौधा है, तुलसी को छोड़कर आप अशोक का वृक्ष है, या आम का वृक्ष है, या पीपल का है आसपास में, या बरगद का है, तो उस पेड़ में आप उस जल को विसर्जित कर दें। कलश को आप अपने घर पे रख सकते हैं। दोबारा अगर कोई पूजा होती है तो आप उस कलश को धोकर उसमें दोबारा पूजन हो सकता है। अब अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है कि जो लाल वस्त्र है उसके अंदर आप वो एक रुपया, सुपारी, थोड़े से चावल और वो नारियल रखकर, और आप उसको बांधकर मोली से, जैसे कलावा बोलते हैं हम, उससे बांधकर, और आप अपने दरवाजे पे अंदर की तरफ बांध सकते हैं, या फिर जो ईशान कोण बोलते हैं हम, जो पूर्व और उत्तर के बीच का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर में आप ऊपर बांध सकते हैं। इससे क्या है कि घर के अंदर एक वर्ष तक सुख शांति रहती है।
घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का आगमन रहता है, नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाती है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आप उस सामग्री को जो मैंने पहले बताया उस हिसाब से आप उसको सब जगह विसर्जित कर सकते हैं। अगले वर्ष जब आप दोबारा गणपति बैठाएं या अपने घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो आप उस नारियल को खोल सकते हैं, जो पुराना नारियल आदि सामग्री उसको विसर्जन कर सकते हैं और नया नारियल सुपारी वगैरह बांध सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। आपने अगर विसर्जन नहीं किया, जो मैंने पहले बताया कि आप जो सुपारी है और एक सिक्का है तो आप उसको अपने पूजा घर में लाल वस्त्र से बांधकर आप रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको ध्यान में रखें। दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।